अपनी किताबें बेच रहे हो? अरे बेच नहीं रहा हूँ, गिरवी रख रहा हूँ। अब्दुल बाहर निकल, अब्दुल। क्यों टप्पू, आजकल नया कौन सा तमाशा करने वाला तू है? तमाशा नहीं, ये मेरी किताबें गिरवी रखो और मुझे बोल दो। ये अब्दुल की दुकान है, यहाँ पर ऐसा वैसा नहीं होता, चल निकल चल। अच्छा तो ठीक है दोस्तों, हम पत्थर से खेलेंगे। अगर पत्थर अब्दुल के दुकान के ट्यूब पे लगा तो दो रन, ठीक है ना? और अगर बोर्ड पे लगा तो चार रन, और अगर सर पे लगा तो सिक्स। यस। एक मिनट। हे भगवान, कैसे बच्चे लोग हैं। ये बोल, ये ले किताब, ये ले, जाओ अपने सोसाइटी में जाके खेलो, मेरी दुकान को बख्श दो, जाओ जाओ। यस सर। जाओ। तो फिर मैच शुरू करें। यस। तो पहली बैटिंग मेरी। नहीं टप्पू, पहले तुम बॉलिंग करो। तुम सोसाइटी में नए हो, तुम्हें पता नहीं टप्पू सिर्फ बैटिंग करता है। अगर उससे पहले आउट कर दिया तो टप्पू का भी आउट नहीं हो सकता। ये लो बॉल, जाओ बॉलिंग करो। चलो। वाहिगुरु की सो, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। ओ जेठालाल बाहर निकल, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। अरे जोड़ी जोड़ी, ये क्या हलबल है लिए, क्या लिया था? ये तुम्हारे बेटे ने किया। Uh-oh. आज तो फैसला होकर रहेगा। आ रहा हूँ, जल्दी आओ। आओ। अरे जल्दी आओ मतलब क्या, कूद का मर के नीचे आओ क्या? नीचे में टाइम तो लगेगा कि नहीं? बात करो, जल्दी आओ बोल रहे थे। आ गया, बोलो क्या है? ओए जेठालाल, अपने टप्पू को संभाल, ये तो तेरे घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। ईंट क्या मंजीर है जो ईंट से ईंट बजाएगा? थोड़ी साहब समझते हैं, बात तो सुनने दो। क्या बात, क्या हुआ? वो तो पूछ रहा हूं मैं। अभी मैं समझाता हूं, अभी सब देखता हूं। ऐसा थोड़ा होता है कि? अरे चुप रहना, अबे शांत हो जाओ। पर क्या किया, क्या टप्पू ने? तुम्हारे बेटे टप्पू ने पूरी सोसाइटी में तहलका मचा दिया है, उसका कोई इलाज नहीं है। अरे पूरी सोसाइटी को परेशान कर दिया है, इसने मेरे घर के 10 शीशे तोड़ दिए। अब तो शीशे वाला भी कहता है कि 50 एक साथ ही ले जाओ, डिस्काउंट दे दूंगा। तो मुझे तो लगता है वो जो कांच वाला है ना, वही अपना धंधा बढ़ाने के लिए किसी को बेच के तुम्हारे कांच तुड़वाता है। हाँ और नहीं तो क्या, जब देखो तब मेरे टप्पू के पीछे पड़े रहते। पीछे? अरे हम सब उससे पीछा छुड़वाना चाहते हैं। देखिए टप्पू अभी बच्चा है। मेहता साहब आप बीच में मत पड़िए, दोस्त है तो दोस्त रहिए, वकील मत बनिए। देखिए मैं किसी का वकील नहीं हूँ, मैं सिर्फ टप्पू को समझाऊंगा बस। इसका कोई फायदा नहीं, टप्पू का कोई इलाज नहीं। ओए मैं तो कहता हूँ इन लोगों को सोसाइटी से बाहर निकाल दो। क्या बात करता है, नॉनसेंस, ये सोसाइटी तुम्हारे बापू जी की है। बाप पे मत जाना। तो तुम मेरे बेटे पे मत जाओ, समझे ना? ऐसी बात मत करना वरना मैं तुम्हारे 34 के 34 दांत तोड़ दूंगा। एक मिनट, मैं डॉक्टर हूँ और दांत 32 होते हैं। तो दो तुम्हारे भी गिन ले हाथी। मैं तो कहता हूँ जेठालाल को सोसाइटी से बाहर निकाल दो। देखो मेरे साथ ऐसी दादागिरी नहीं चलेगी, समझे? ओए तेरा बेटा गुंडागर्दी करता है वो चलेगा? इतना छोटा सा बच्चा गुंडागर्दी करता है और तुम ये बड़े बड़े लोग उसकी गुंडागर्दी से डर जाते? बापरे मर गए ऐसा? ऐसी वाहियात बात करेगा ना, एक थप्पड़ मार दूंगा मैं।
क्या बोला क्या बोला क्या, थप्पड़ मार दूंगा वो बोला। थप्पड़ मारेगा? मारकर तो दिखा जरा। थप्पड़ मारने के लिए टप्पू हाथ में तो आना चाहिए ना। ले तो सोड़ी भाई को थप्पड़ नहीं मारनी है। यस गोली, फाइनली तुम्हारे पापा आते ही होंगे। पापा ने 30 किलो कम करने के लिए कड़ी मेहनत की होगी। यस बेटा, तो तुम तैयार हो ना अपने स्लिम और ट्रिम पापा को मिलने के लिए? यस पापा। बावरा हो गया गोली, किसी को भी पापा बोल रहा है। कोई बात नहीं बेटा, पापा भी आते ही होंगे। बाप रे, ऐसा क्या देख लिया कोमल भाभी ने? मम्मी 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 कोमल भाभी, मम्मी उठो ना मम्मी। मम्मी क्या नाम है? कोमल भाभी क्या हुआ? कोमल भाभी उठिए, कोमल भाभी उठिए मम्मी। अरे 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 क्या हुआ कोमल बहन? अरे गोली बेटा क्या हुआ मम्मी को? क्या पता रिक्शा को देखकर बेहोश हो गई। देख क्या रहे, कोई पानी मंगाओ, कांदा सुंगाओ इनको। खड़े क्या, लेके आओ कांदा पावा, जो भी है लेके आओ। कांदा पावा नहीं, कांदा पानी बोल रहा हूँ मैं। जो भी है लेके आओ भाई। अरे अरे भूकंप आया क्या? अरे एक मिनट भाई साहब, धीरे धीरे बाहर आवा आराम से। अरे एक मिनट, अरे अरे भाई साहब, अरे यहाँ आवा यहाँ आवा। अरे इनका बाहर निकालने में मदद करा भाई। अरे मैं तो कहती हूँ पानी छिड़को, अच्छा रहेगा। हाँ हाँ हाँ। जगह भाई, आवा भाई, बाहर निकालो। डॉक्टर हाथी आप? अरे ये क्या कर लिया आपने? आप तो वजन कम करके आने वाले थे। जेठा भाई थोड़ी मिस्टेक हो गई। थोड़ी सी मिस्टेक है ये? 30 किलो का फर्क, मतलब आप 30 किलो वजन बढ़ा के आए। कहाँ है दया, कहाँ है? ओ भाई साहब, अरे हम पर दया करा भाई, और इका बाहर निकाला। आपको पता है रास्ते में आते वक्त ससुराल रिक्शा का तीनों टायर पंचर हो गया था और रिक्शा का जैक भी फिट नहीं हो रहा था। फिर जाके ट्रक का जैक लेके आए, रिका में फिट किया, तीनों टायर बदला, तब जाके इको यहाँ ले आया हूँ। अब इका बाहर निकालो भाई। अरे उंगली दब गई मेरी। कैसे निकाले? तुमको आता ही नहीं निकालने के लिए। तुम यहाँ पे आ जाओ अभी। देखो तुम करो, चलो भाई ये केला पकड़ो मेरा। अरे फेंक देना केले अभी यार, केले केले केले। अच्छा मुझे पकड़ो अभी। हाँ पकड़ा है भाई, चल ले। एक दो बजरंग बली की जय। क्या कर रहा है भाई ये? बचपन में साकड़ी खेला नहीं था क्या? एक मिनट, हम दोनों से नहीं होगा, सबको बुलाना पड़ेगा। हाँ। अरे सोटे, अरे मेहता सर, अय्यर अय्यर। हाँ अय्यर, अय्यर को तो खास बोला भाई। अय्यर जल्दी आओ, सोड़ी किधर है तू? मेहता साहब आइए, देखिए। जेठालाल ये कौन है? ये अपना डॉक्टर हाथी। डॉक्टर हाथी ये कैसे? डॉक्टर हाथी ठीक हूँ? नहीं ठीक नहीं हूँ, ठीक नहीं हूँ। पापा पापा बाद में बेटा, वरना मेरी उंगली की तरह तू भी दब जाएगा। पापा बाहर आए ना, बाद में मिलना। पापा वो लोग कोशिश कर रहे हैं बेटा,
अबे मेहता साहब क्या करें, इनको निकाले कैसे? अरे हम इतने सारे लोग हैं, हम मिलके सब कोशिश करते हैं, लगाते हैं ताकत, निकल ही आएंगे डॉक्टर हाथी। एक बार सब ताकत लगाना भैया, जोर से, आराम से। अरे हाँ आराम से डॉक्टर हाथी। हाँ चलो आ भैया, रिक्शा को मुझे मत डकेला तुम। अरे जेठालाल ये क्या हंगामा है भाई? लगता है बबीता जी और भाई के बीच में झगड़ा हो रहा है। ओ झगड़ा ऐसे ही नहीं हुआ है, तुमने लगता है मंत्र का नींबू मार दिया है। अरे नहीं नहीं भाई, क्या है ये? आप भी पर लगता है मामला तो कुछ भयंकर है जेठालाल। हाँ जाके देखना पड़ेगा। अरे क्या देखना पड़ेगा यार, किसी का पर्सनल मैटर है वो। आता बबीता जी पर्सनल फ्रेंड ही तो है, मत रोकना, और रावण से बबीता जी को बचाना ही पड़ेगा। अरे हो सकता है वो खुद पिट रहा हो। जेठालाल ये क्या किया? जेठालाल क्या हुआ, क्या है? बबीता क्या हुआ? वो बबीता जी और अय्यर भाई के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। लेकिन झगड़ा किस बात पे हुआ, क्या है? अरे मेहता साहब क्या क्या हुआ, ये तो एक ना एक दिन होना ही था। अय्यर भाई की गलती। लेकिन अय्यर ने किया क्या है? वो बोलने जैसा ही नहीं है हाथी भाई, लेकिन इतना पक्का है कि गलती है अय्यर भाई की है, बराबर? क्या गलती है मेरी जेठालाल, क्या गलती है मेरी? शीख कहेड़ा अय्यर साहब, लुंगी नीचे करो। देखो ये बबीता छोटी छोटी बातों में गुस्सा करती है। मैं क्या फूल हूँ? फूल नहीं, तुम तो दुनिया बनाने वाले की भूलो भूल। जेठालाल क्या कहा तुमने? भगवान अय्यर लुंगी नीचे। खैर छोड़ो बबीता, आप बताइए हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या आखिर? इन्होंने मेरी मॉम को फोन पे इंसल्ट किया। That's not fair. अरे हाँ, इन लोग बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। रोशन भी मेरी मम्मी से कभी ठीक से बात नहीं करता है। मैं तेरी मम्मी से ठीक से कैसे बात करूं? आधे टाइम तो वो पारसी में क्या बोलती है समझ नहीं आता मेनू। कुछ भी हो पर हमारे मायके का कोई भी हो हमेशा वही गलत होता है। अय्यर भाई आपको कुछ आइडिया है सासू का क्या दर्जा होता है, हैं? अरे संत श्री राजेश खन्ना कह गए हैं क्या, सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, अरे दुनिया के सब तीरथ झूठे, अरे चारों धाम घरवाली है। समझे आप? ये मेरे को क्या समझा रहे हो तुम, ये बबीता को समझा। ठीक है नहीं तुम नहीं जेठालाल, तुम नहीं,
बेहतर साहब आप जरा समझ। हाँ मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। बबीता आप समझने की कोशिश करो। Listen नेता जी, I don't want to understand anything. One thing is decided, I don't want to stay with you, okay? मुझे डिवोर्स चाहिए। Yeah, yes. What? डिवोर्स? ये क्या कह रहे हैं आप बबीता जी? ये डिवोर्स का मतलब क्या होता है? डिवोर्स नहीं दे भाभी, डिवोर्स। हाँ? तलाक? हाँ? छुट्टा छेड़ा? हाँ? अरे बबीता जी आप क्या कर रही है? बिल्कुल ठीक का भाभी। अरे बबीता कोई तलाक कोई ऐसे ही हो जाता है? I don't want to understand anything, okay? See, marriage is just not a word in India. It's our value system. I can't stay with him. It's been decided. That's it. अरे घर पर कैसे थोड़ा जा सकते सारे बड़बड़े? अंजलि कम। अंजलि भाभी हिंदी में समझाएगी। You have to understand that. Listen, Babita, please try and understand. Anjali Bhabhi, you're not understanding what he's done, okay? You don't know what has he said about my mother. I understand your point, but I think he must be having his own point. Na kya English bol rahe log? Please calm down. It's a question of your whole life. Okay? Okay. Thanks. मेहता साहब, थैंक यू। एनी टाइम भैया। मेहता साहब क्या बोला क्या आपने ऐसा? बबीता जी वापस घर पे चली गई। मैं उन्हें ये कहने की कोशिश कर रहा था। जेठा क्या हुआ? अरे एक मिनट बाबूजी। मैं उन्हें समझा रहा था कि भाई। अरे ए जेठिया, अरे क्या हुआ बताना, ऊपर आ। अच्छा मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, सभा तुम निकलो। ओके बाद में डिस्कस करते हैं ना, जाओ। ओके मेरे ख्याल से अब हम लोगों को भी चलना चाहिए। हाँ चलो 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 लेट्स चलो भाई चलो सर कोमल। क्या हुआ जेठालाल, सुधरे हालात? बोलियां नहीं दया भाभी? नहीं मेहता साहब, लगता है पिछले जन्म में मैंने जरूर कुछ पाप किए होंगे, उसकी सजा भुगत रहा हूँ। ऐसे दिल छोटा नहीं करते जेठालाल। टप्पू के पापा। जेठालाल, दया भाभी बोली। मेरा फोन बज रहा है। अरे तुम्हारा फोन नहीं बज रहा, वो देखो स्वयं दया भाभी बालकनी में खड़ी है, बोल रही है। पापा आपको बुखार है तो आज दुकान मत जाइए ना। मेरी कोयल टहुकी। मेहता साहब मेरी कोयल टहुकी। मेहता साहब अरे बोले दादा बोले। अरे ये क्या कर रहे हैं? संभालिए, आपको बुखार है। अरे जन्म में गया बुखार दया। तू बोल, तेरी आवाज सुनने के लिए मेरा कान तड़प रहे। बोल टप्पू के पापा। टप्पू के पापा। और एक बार। 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 टप्पू के पापा। देविन बोलने लगी, भगो भाई की तो चाह दया भाभी। बेटा साहब मेरी जिंदगी वापस आ गई। अरे दया तुझे पता नहीं है, तेरी आवाज सुने बगैर मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे जैसा बिना जलेबी का फाफड़ा। हाँ। दया अभी मुझे ऐसा मन कर रहा है कि मैं भी तेरी तरह गरबा करूं। धिन ताती तड़ा तक ताती तड़ा धिन ताती तड़ा तक ताती तड़ा धिन ताती तड़ा तक ताती तड़ा। रुक जाइए। क्या हुआ? मैं नीचे आती हूँ, साथ में गरबा करते हैं। अरे आजा नीचे आजा। अरे गोकुल दास वासियों, आज रात को मेरे घर पर पार्टी। दया दया भाभी बहुत बड़ी फिर से। दया मेरी दया। दया थैंक यू दया तू बोल पड़ी। लेकिन दया आज तुझे एक और प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी।
कि आज के बाद तू ऐसी फालतू मौन व्रत की प्रतिज्ञा कभी नहीं लेगी। राइट। अरे आपको शांति चाहिए थी इसलिए मैंने मौन व्रत धारण किया था। आप तो मेरे पति परमेश्वर हो, आपके सुख के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। दया, टप्पू के पापा, अब हम गरबा खेले। अरे चलो। मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। इधर जा रही है, तुमको कहाँ बाहर जाना है? इधर खेल रहे सब। झांझर से राग और रागिनी खेले है रात आज चांद और चांदनी, बहते हैं झांझर से राग और रागिनी। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है।